श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में रहेंगे। दोस्तों, 12वें भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके लिए ये दिन काफी अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 12वें भाव में चंद्रमा के होने से आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश में अगर आपका बिजनेस है या आप विदेश में नौकरी करते हैं, तो आपके लिए ये समय शुभ रहेगा। विदेश से आप धन कमा पाओगे। विदेश से धन कमाने के अच्छे मौके आपको इस समय में मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। विदेश से आपको हर तरह का लाभ इस समय में मुमकिन है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में लाभ होने की संभावना काफी कम रहेगी, क्योंकि इस दिन सुबह से ही आलस्य से घिरे रह सकते हैं। काम करने की गति धीमी रहेगी, हर काम में रुकावटें नजर आ सकती है। इस दिन आपका मन भी परेशान रहेगा, किसी प्रकार का टेंशन भी आपको इस समय में सता सकता है। इस समय में आपको चोट लगने की संभावना भी रहेगी, तो आपको संभल कर रहना होगा। इस वक्त आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर करनी ही पड़े तो सावधानी जरूर बरतें, कहीं पर भी लापरवाही ना दिखाएं। अगर हो सके तो यात्राएं कुछ समय के लिए टाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारियों को काम में रुकावटें, नुकसान होना और पैसे फंसने की संभावना इस समय में बन रही है। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना ले, कोई नया निवेश बिल्कुल ना करे। इस समय में किसी पर भी भरोसा ना करें, कागजी कार्रवाई या संभल कर सोच समझ कर ही करें। नौकरी करने वालों के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद हो सकते हैं, काम में मन भी नहीं लगेगा। इस दिन आप तोल मोल कर ही बोले और हो सके तो अपने बॉस से ना मिले। इस दिन दाम्पत्य जीवन में अशांति रहेगी, पति पत्नी के बीच नोक झोंक हो सकती है। इस समय में हर काम में आपको सतर्क रहना होगा, किसी और के झगड़े से भी थोड़ा दूर ही रहिएगा, नहीं तो आप उसमें फंस सकते हैं। घर परिवार में अशांति का माहौल इस समय में देखने को मिल सकता है। इस दिन लव लाइफ में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है, बीते हुए कल की बातों से भी परेशानियां आ सकती है। पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए। अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती भी है तो उसे बढ़ने ना दे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय रुकावटों भरा नजर आ रहा है, किसी तरह की रुकावटें आ सकती है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है। इस वक्त अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और अपना प्रयास जारी रखे। इस दिन स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना भी काफी कम रहेगी। इस समय में आप शारीरिक दुर्बलता महसूस कर सकते हैं, एनर्जी की कमी रह सकती है, सावधानी जरूर बरतें। इस दिन आप अगर कौओं को रोटी डालते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, चाहे वो कौवा रोटी खाए या ना खाए, आपको बस कौवे के नाम की रोटी निकालनी है। किसी जरूरी काम से जाते वक्त चांदी का सिक्का घर से ही साथ लेकर जाए। अगर कोई जरूरी काम इस वक्त करना ही पड़े तो ये उपाय जरूर करें। और अपने माथे पर अगर आप चंदन या केसर का तिलक लगाते हैं तो शांति बनी रहेगी, आपका मन शांत रहेगा, झगड़े फसाद नहीं होंगे। इन उपायों से मन शांत रहेगा, कामों में आने वाली रुकावटें दूर हो सकती है और दिन बहुत अच्छा बन सकता है। साथ ही दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें और 1 रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में जरूर डालें। सुबह अगर आप टहलने जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, तो शरीर को ऑक्सीजन तो मिलता ही है। साथ ही दोस्तों, नेचर में हीलिंग पावर्स होते हैं, उस वजह से हमारी एनर्जी में चेंजेस आते हैं। जो भी ग्रहों के निगेटिव इफेक्ट हम पर आ चुके हैं वो निकल सकते हैं और हमारा पूरा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर सकता है। इस वजह से हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। जी हाँ, इस वजह से सुबह टहलने जाना काफी अच्छा होता है। खान पान में इस वक्त आप ध्यान रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। इस दिन अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और 3 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है।